हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है आईफोन की बैटरी हेल्थ के ऊपर। आईफोन की बैटरी हेल्थ के ऊपर इसलिए क्योंकि मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है कि आईफोन की बैटरी हेल्थ को बढ़ाया जा रहा है। तो आखिर बैटरी हेल्थ को कैसे बढ़ाया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ये वाला जो मेरे पास डिवाइस है इससे आप लोग बैटरी हेल्थ को बढ़ा सकते हो। और हकीकत है ये 100% गारंटेड है, इससे आप लोग जो है बैटरी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और आखिर कैसे बढ़ा सकते हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिख रही बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल में आईफोन की बैटरी जो होती है, आईफोन के अंदर मोबाइल की बैटरी जो होती है उसमें बैटरी हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईफोन चलाते हैं उनको ये 100% पता होगा कि आईफोन की बैटरी हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। आईफोन के अंदर अगर आईफोन की बैटरी हेल्थ 85 या 90 से नीचे है तो ये मतलब मान के चलिए आधा घंटा एक घंटा भी बैटरी इसकी नहीं चलेगी। इसी के पीछे अगर आज बताने वाला हूँ तो कंटिन्यू वीडियो बने रही है। जैसे हम लोग आईफोन खरीदते हैं तो हमारे माइंडसेट में क्या है कि हमेशा साइकोलॉजी बैठे रहती है कि जैसे कि अगर आईफोन की बैटरी 85 या 90 से नीचे हुई तो मतलब बैटरी कम चलेगी। हकीकत होता भी ऐसा कि अगर साइकोलॉजी बैठ गई है अपने दिमाग में तो बैठ गई है कि अगर बैटरी 4 घंटे भी चलेगी तो हम लोग यही बोलेंगे 1 घंटे ही चलती है। तो ऐसा होता आ रहा, लोग ये मानते भी हैं क्योंकि बैटरी कम भी चलती है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में बैठ गया कि जैसे कि 85 या 90 से नीचे बैटरी तो कम चलेगी। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन बहुत सी बार हो जाता है, मतलब बहुत सी कम टाइम में होता है। 100 टाइम में 1-2 बार ऐसा होता है कि बैटरी आपकी अगर 85 से नीचे है तो 1-2 बार ही वो डिस्चार्ज होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इसको चलाएंगे तो 1-2 घंटे में, मतलब 100 बार में 1-2 बार ही ये डिस्चार्ज होगी, हर बार ये डिस्चार्ज नहीं होती है। फिर भी लोगों की क्या है कि साइकोलॉजी ऐसी बैठ गई है कि ये डिस्चार्ज होती है, और हम लोगों का जो टेक्नीशियन हमारा मानना भी है कि ये डिस्चार्ज होती है। तो सारी बातें एक तरफ रखते हैं तो बात ये आती है, मुद्दा ये है कि आखिर इसका जो है बैटरी हेल्थ बढ़ाया कैसे जाता है। मार्केट में ये ऐसे मोबाइल बिक रहे हैं, अभी आप लोग देखते हैं रिफ्रेश्ड मोबाइल जो बिक रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे कि आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन टू गुड वगैरह, वो सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी साइट है उस पर जो सेकेंड हैंड मोबाइल बिक रहे हैं उनकी बैटरी हेल्थ जो है 100% आखिर ये मतलब ये कैसे हो रहा है। तो सारी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को कि ऐसा जो हमारे पास हम टेक्नीशियन लोग हैं तो इसका राज मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा एक डिवाइस आता है जिसमें क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी को निकाल करके इसमें चार्ज लगाया जाता है। मोबाइल की बैटरी तो इसमें भी चार्ज होती है, ऐसी कोई बात नहीं, मोबाइल की बैटरी इसमें भी चार्ज होती है, लेकिन होता है क्या इसमें जो मोबाइल का एम्पेयर है वो बहुत कम आता है। अगर आप लोग इसको चार्ज लगाते हैं मान के चलिए तो इसका एम्पेयर कम आता है, 1-1.5 घंटे में मोबाइल चार्ज होता है, 1 घंटे में मान लेते हैं। लेकिन इसमें इसके अंदर क्या होता है, मोबाइल की बैटरी को आप लगाएं 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जैसे इस मोबाइल की बैटरी को निकाल के चार्ज लगाते हैं, बैटरी को निकाल के इसके अंदर चार्ज लगाना पड़ता है। जैसे इसको खोलेंगे हम, बैटरी को निकालेंगे, गर्म करके बैटरी रिमूव होती है। वैसे बहुत सी बार अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना गर्म करें। तो हम लोग इसको गर्म करके निकालते हैं क्योंकि इसमें बैटरी का रिस्क नहीं रहता है फूटने का। निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट चार्ज लगाते हैं, 10 मिनट में मोबाइल 10 मिनट में जो है बैटरी फुल चार्ज होती है इसकी। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एम्पियर है तो एम्पियर फुल आता है, एम्पियर फुल आने से क्या है कि जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जो मोबाइल का चार्जर उसमें 2 एम्पियर मतलब खींच करके 2 एम्पियर इसमें आता है मैक्सिमम, जिससे क्या होता है बैटरी धीरे चार्ज होती है। इसमें 10 मिनट में चार्ज हो जाती है, उससे क्या होता है कि उसका जो केमिकल होता है बैटरी का उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से क्या है कि उसका बैटरी हेल्थ बढ़ जाता है। ये इसका राज है, आप लोग इसमें ज़्यादा डीपली ना जाएँ तो अच्छी बात है। मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझा दिया कि बैटरी हेल्थ कैसे बढ़ती है। बैटरी हम निकालते हैं, निकाल कर इसमें चार्ज लगा देते हैं। ये इसमें आईफोन का बैटरी भी चार्ज होता है और एंड्रॉयड का भी इसमें चार्ज होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर आप लोग देख सकते हैं 6G 7G और 5C 5G ऐसा कुछ लिखा है, 5G 4S 6S सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। और इधर आप लोग देख रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक ये सारे एंड्रॉयड के टोटल जैसे सॉकेट आपको बैटरी के दिख रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी ऐसे सॉकेट होते हैं जहाँ बैटरी लगती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को निकालते हैं, इसमें चार्ज लगाते हैं, 10 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है। जो आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ है, आईफोन की बैटरी हेल्थ है 85 या 80 से नीचे है, वो डायरेक्ट 100% पर आ जाती है यार। ये हकीकत है, ये मैंने खुद करके देखा है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखा था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिससे कि मैं बैटरी हेल्थ आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों, आपको सारा राज समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।